नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपनी नई बुक शुरू करने जा रहे हैं। ये बुक अपने जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बुक है। बीएससी बीएड थर्ड ईयर, उसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर में कुछ पार्ट भी लगता है। सब्जेक्ट अपना जूलॉजी और आज पार्ट अपना है फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आज बात कर रहा हूँ बीएससी की थर्ड ईयर के संदर्भ में केवल, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का तो कुछ हिस्सा इसमें है। हमको अपने जो आज सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में, पार्ट फर्स्ट क्लास में बीएससी बीएड पार्ट थर्ड ईयर का शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके जूलॉजी में दो बुक्स लगती है। एक तो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और जो सेकेंड बुक है उसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। इथोलॉजी एंड इकोनॉमिकल जूलॉजी। तो आपके बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर ये दो बुक्स लगती है, एक तो डेवलपमेंट बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्धन जैविकी, दूसरी बुक जो लगती है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि हम इसको एनवायरमेंटल जो स्टडीज है ये हमें एनवायरमेंट के बारे में इसको हिंदी में कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन। हिंदी में अगर बोले तो पर्यावरण अध्ययन। इथोलॉजी को हम कहते हैं व्यवहारिकी, और आर्थिक प्राणी शास्त्र। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज अपने जो बुक शुरू करेंगे वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, और जो सेकंड बुक है वो इसके बाद में शुरू करेंगे जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज इथोलॉजी एंड इकोनॉमिकल जूलॉजी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है परिवर्तन जैविकी है, इसके अंदर अपने परिवर्तन के बारे में पढ़ना है कि एक जंतु जो है उसके जीवन में कौन कौन सी अवस्थाओं से वो गुजरता है, चाहे वो जन्म के दौरान की अवस्था हो चाहे जन्म के बाद की अवस्था हो, जिसको हमने आगे अभी शुरू करेंगे उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे। इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है इसमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इकोलॉजी क्या चीज़ है, और इन्वायरमेंट जो है किन किन घटकों से बना हुआ है, कौन कौन से कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। पर्यावरण आपने देखा है कि दो घटकों से बना है, जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक घटक का आपस में किस प्रकार से अंतर्क्रियाएं चलती रहती हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे को प्रभावित करते रह रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के लिए या एनवायरनमेंट को जो कहते हैं कि खराब करते जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये सब जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरण के अंदर हमें जितने भी जैविक घटक हैं, जैसे जैविक घटक की बात करें तो जैसे भूमि यानी पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन सब के बारे में अपने पढ़ना है, और अजैविक घटक जैसे जल है तो जल के अंदर भी अपने को जैसे ये देखना है कि जल अपने कितने परसेंट पाया जाता है, जल के भी अपने देख सकते हैं कि साफ यानी लवणीय जल और अलवणीय जल उसके देखना है। उसके अलावा अपने को ये देखना है कि जो मैराइन वाटर होता है, समुद्र होता है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जैविक घटक रहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने पर्यावरण अध्ययन में पढ़नी है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद में व्यवहारिकी, अब मैंने फिर आपको भी बता देता हूँ कि ये व्यवहारिकी जो है यहाँ पर ये अपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी लगता है ये टॉपिक, सामान्य बीएससी यानी बीएससी जो थर्ड ईयर है वहाँ पर भी ये टॉपिक लगता है व्यवहारिकी। व्यवहारिकी यानी तो व्यवहारिकी क्या अर्थ में बताया, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। अब
करने का मतलब यह है कि कोई भी जंतु किस प्रकार के आवास में रहता है, वहाँ पर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं करता है उनकी जाति के सदस्यों के साथ और दूसरी जाति के सदस्यों के साथ, तो वह सारी चीजें किसमें आती है, व्यावहारिकी में आती है। जैसे अपने मधुमक्खी का कारण वॉन फ्रिस ने मधुमक्खी के जीवन चक्र का अध्ययन किया था, तो वो भी अपने इसमें व्यावहारिक में आता है। जैसे अपने यदि कोई बंदर का झुंड है उसका अध्ययन करते हैं कि बंदर में झुंड में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, जैसे नर है, मादा है, जो ओल्ड मेल एंड फीमेल है, उसके अलावा वयस्क बच्चे हैं, नवजात शिशु है, उनमें कौन उस झुंड का प्रतिनिधित्व करता है और झुंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो भोजन लेते हैं, कैसे अपने रात्रि विश्राम करते हैं, किस प्रकार के उनके अंदर जननी क्रियाकलाप होते हैं, वो सब हम व्यवहारिकी में देखते हैं। व्यवहारिकी किसी भी जंतु के लिए व्यवहार का अध्ययन है, जरूरी नहीं है बंदर के लिए हो। हम घरों के आसपास जितने भी जंतु देखते हैं उन सब का अपना अपना निश्चित व्यवहार होता है। दूसरा अगला इसमें बुक के अंदर जो कहता है वो इकोनॉमिकल जूलॉजी है, आर्थिक प्राणीशास्त्र है। आर्थिक प्राणीशास्त्र की बात करें तो आर्थिक प्राणीशास्त्र के अंदर हमें जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़े हैं पहले भी, जैसे आपने मधुमक्खी पालन पढ़ा है, मधुमक्खी पालन एपिकल्चर की यदि हम बात करें तो एपिकल्चर जो होता है इसके अंदर मधुमक्खी जो है वो कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होती है, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मधुमक्खी का जो झुंड होता है, क्योंकि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसके अंदर अलग अलग सदस्य पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, अच्छा किस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके अलावा अपने इसमें एपिकल्चर के अलावा अपने इसमें फिशरीज के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी कि मछली पालन जो है, उसके अलावा अपने इसमें रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सेरिकल्चर के बारे में। तो ये अच्छा, उसके अलावा अपने मुक्ता संवर्धन जो है, मुक्ता संवर्धन का मतलब होता है कि हमें मोती किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके अलावा अपने जैसे जो आर्थ पालन कुछ जंतु और भी हैं जैसे झींगा पालन, प्रॉन कल्चर, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं आर्थिक प्राणीशास्त्र के अंदर, इनको अपने पूरे डिटेल में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स जो आज अपनी बात करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, ये क्या चीज है, परिवर्धन जैविकी क्या चीज है। तो आज अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, तो परिवर्धन जैविकी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बी एस सी बी एड थर्ड ईयर में लगता है और बी एस सी सेकेंड ईयर में लगती है ये परिवर्तन जैविकी, तो इसलिए ये दोनों अपने साथ साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी या परिवर्तन जैविकी क्या है, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ एम्ब्रियोलॉजी क्या है, भ्रूणिकी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ के ही हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का को समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक जंतु जनन करता है, जनन जब करता है तो उसमें दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जन्म होता है तो जो कि अलग अलग विधियों से होता है, जैसे मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडी भवन जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हैं पैरामीशियम में, प्रोटोजोन की कुछ जातियों में। तो वहाँ यहाँ पर यदि हम बात करें डेवलपमेंट बायोलॉजी की तो इसमें हम डेवलपमेंट बायोलॉजी को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम अब बच गया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद क्योंकि ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी और जो भ्रूणी की दोनों घटनाएं हैं ये लैंगिक जनन से जुड़ी हुई हैं। देखिएगा स्टूडेंट, लैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि वे जंतु जिनमें लैंगिक जननांग पाए जाते हैं, नर के अंदर टेस्टिस, यानी कहते मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पाई जाती है, तो नर के वर्षण और मादा के अंडाशय के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के द्वारा घटना होती है,
शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण की घटना। वो घटना जब होती है तो होने के बाद में स्प्रम और ओवा बनते हैं। स्प्रम और ओवा बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद में उनमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद में उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, लैंगिक जनन में आती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब लैंगिक जनन की घटना होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लैंगिक जननांगों में ये घटना संपन्न होती है तो इसमें होता क्या है कि ये दो प्रकार के यहाँ विभाजन होते हैं। पहला समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा विभाजन अर्धसूत्री होता है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो इससे युग्मकों की संख्या बढ़ती है, गैमेट्स की संख्या बढ़ती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गैमेट्स जो हैं वो हैप्लोइड हो जाते हैं, यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र उसका से आधी रह जाती है, यानी एग्मेट रह जाती है। इसलिए लैंगिक जनन में ये दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लैंगिक जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिससे एक तो क्या है कि उस जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित बनी रहती है, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। दूसरा, जब लैंगिक जनन की घटना होती है तो लैंगिक जनन की घटना के दौरान जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है उसके अंदर तो फिर फर्स्ट के अंदर लैक्टोटिन, जायगोटिन और पेप्टिन अवस्थाओं के दौरान काइजमेटा क्रॉसिंग ओवर जैसी घटनाएं होती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो नई पीढ़ी है उसमें नए जेनेटिक स्वरूप बनते हैं, नए विभिन्नताएं आती है और वो विभिन्नताएं इकट्ठी होती जाती है, जिससे नई जाति का निर्माण भी होता है। तो ये सारी विशेषताएं हमने लैंगिक जनन में पढ़ी हुई है, जो मैंने आपको बसी की थोड़ी बहुत अभी बताई है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो जंतु है उसमें क्या होता है कि यदि हम बात करें तो दो तरह की बातें होती हैं कि एक तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ऑटोजेनिक और एक होता है फाइलोजेनिक। ऑटोजेनिक और फाइलोजेनिक, इसको हम कहते हैं व्यक्ति वर्तीय, ये सब छोटी परिभाषाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। व्यक्ति वर्तीय परिवर्धक और एक होता है जाति वर्तीय परिवर्धक, क्योंकि ये थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं भौणिकी क्या है और डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है कि ऑन्टोजेनिक जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल अंडा है, अंडा से जैसे कोई लार्वा बन गया और लार्वा से कोई क्या बन जाता है वयस्क, ये क्या कहलाता है, किसी भी जंतु का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है, व्यक्ति वर्धीय परिवर्धन कहलाता है। यानी कि कोई भी एक जंतु के आप यदि परिवर्धन की अवस्था उत्पादन करेंगे, उसके डेवलपमेंट को देखेंगे तो वो परिवर्तन हमेशा, यानी यूँ कहते हैं कि एक जंतु जो है उस जंतु को यदि आप उसमें किस प्रकार अंडे का निर्माण हुआ, उससे किस प्रकार लार्वा बना, किस प्रकार उससे वयस्क बना, तो इनका अध्ययन यदि आप करते हो तो व्यक्ति वृत्ति परिवर्तन होता है। यानी एक जंतु के निर्माण की अवस्थाओं का यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाता है, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और फाइलोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है, और फाइलोजेनिक जाति वृत्ति है, देखो यहाँ व्यक्ति वृत्ति है यहाँ जाति वृत्ति है। फाइलोजेनिक के अंदर हम क्या करते हैं, जाति के विकास का अध्ययन करते हैं, जाति का विकास किस प्रकार हुआ है, जैसे हमने इवोल्यूशन में पढ़ा भी है। यानी इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ फाइलोजेनिक की बात करते हैं, और फाइलोजेनिक जो है उसको थोड़ा समझने के लिए हम ऑन्टोजेनिक का भी सहारा लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें फाइलोजेनिक डेवलपमेंट की, कि जैसे कोई जंतु है कि मनुष्य का, जब हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य का यह मानना कि हमारे पूर्वज जो है मछली वर्ग के सदस्य हैं, मछली वर्ग के बाद में उभयचर आए थे, उभयचर के बाद में सरीसृप आए थे, सरीसृप के बाद में एविस आए थे, और एविस के बाद में कौन आए थे, मैमल्स आए थे। इस चीज को अगर हम देखें तो ये कौन सा परिवर्तन है हमारा, फाइलोजेनिक डेवलपमेंट। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो मनुष्य जो है, मनुष्य के हार्ट के डेवलपमेंट को यदि हम देखें तो मनुष्य के हार्ट के डेवलपमेंट को देखें तो पहले मनुष्य के अंदर क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर थ्री चैम्बर होता है, फिर फोर चैम्बर होता है, फोर इनकम्प्लीट, फिर फोर कम्प्लीट चैम्बर,
हट पाया जाता है। तो चमड़ हट, फिर चमड़ हट, फिर ये देखिए आप अपने की बात करें तो मनुष्य के भ्रूणीय अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक या मनुष्य के भ्रूण का यदि हृदय के विकास को देखें तो वो हमें फाइलोजेनी को बताता है। अब टू चैम्बर जो हर्ट है मनुष्य की भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनता है, इसमें एक वेंट्रिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब ये जो भ्रूण ये जो हर्ट है ये फिशेज की विशेषता होती है, फिशेज के अंदर वयस्क अवस्था के अंदर टू चैम्बर हर्ट पाया जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर की जो बात करें तो ये एम्फीबिया के अंदर पाया जाता है, एम्फीबिया के अंदर पाया जाता है। अब एम्फीबिया के अंदर थ्री चैम्बर होता है, और थ्री चैम्बर जो होता है इसके अंदर एम्फीबिया की वयस्क अवस्था के लिए होता है, इसमें दो अलग अलग मीडिया होता है। परंतु मनुष्य की डेवलपमेंट हट की डेवलपमेंट को देखें तो टू चैम्बर के बाद कौन सा होता है, थ्री चैम्बर। थ्री के बाद में फोर इनकम्प्लीट चैम्बर होता है जो कि रेप्टाइल्स की विशेषता होती है, जिसके अंदर क्या होता है दो आदमी होते हैं, एक होता है के अंदर एक सेप्टम पाया जाता है जिसके कारण इनका लिंग है वो इस प्रकार से डिवाइड होते हैं कि वो आधे एक दूसरे से प्रति करते हैं, आधे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का इनकम्प्लीट चैम्बर हट पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर अगला जो हट का डेवलपमेंट है वो फोर इनकम्प्लीट चैम्बर होता है जो रेप्टाइल्स की विशेषता है। उसके बाद है फोर इनकम्प्लीट चैम्बर जो कि एविज और मैमल्स की विशेषता होती है जो कि हमारे मुख के लक्षण होते हैं, इसमें दो आलिंग और दो ही वेंट्रिकल होते हैं, दो ही क्या होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो इस प्रकार अब आप देखिएगा कि मनुष्य के जब हर्ट का डेवलपमेंट हुआ है पहले टू चैम्बर फिर थ्री चैम्बर फिर फोर इनकम्प्लीट फिर फोर कम्प्लीट चैम्बर हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले हमारे अंदर मछली जैसे लक्षण है हेड में, फिर एम्फीबिया जैसे, फिर रेप्टाइल जैसे, फिर हमारे एविड जैसे होते हुए मैमल जैसे फैक्ट आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा विकास सीधा तो नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है हमारा विकास किससे हुआ है, मछली वर्ग के सदस्यों से हुआ है, और जिसका हमारा जिसको शो हमारा हर्ट कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट कौन सा हो गया, हमारा जाति वर्गीय परिवर्तन हो गया, यानी ऐसा परिवर्तन जो कि हमारी जाति के विकास को कहते हैं कि हमारी जाति का विकास किस प्रकार हुआ है, तो उसको हम जाति वर्गीय परिवर्तन कहते हैं। अब देखो इसमें दो टर्मिनोलॉजी और होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस एक होता है ब्लास्टोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, यदि अपना जो व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन है यानी ओंटोजेनिक डेवलपमेंट यदि लैंगिक लिंग के द्वारा होता है, यदि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो, यदि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो उस अपने भ्रूण की घटना को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और यदि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो इसको हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। यानी सीधी अगर हम बात करें यदि कोई भी जंतु जो है लैंगिक जनन से डेवलप होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसका निर्माण हुआ है तो इस घटना को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, शॉर्ट में ये उसको डाइट कहें और ब्लास्टोजेनेसिस क्या है। यदि किसी ओंटोजेनिक डेवलपमेंट की बात करें हम या फाइलोजेनिक की बात नहीं करें, यदि किसी जंतु का जो निर्माण है उसका जो जन्म है वो एलैंगिक जनन से हुआ है उस घटना को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि अब हम इसके ऊपर बात आते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है और डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है। अब यदि हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, उसका अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब देखिएगा कि
जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। भ्रूण की क्या परिभाषा है, आपको पता है कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में जो मोरूला ब्लास्टुला गैस्टुला होते हैं, इससे थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भ्रूण क्या है। कि देखिएगा, जैसे हम बात करें देखिएगा कि हम बात करते हैं सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो में भ्रूण का अध्ययन करना, एम्ब्रियो का तो भ्रूण एम्ब्रियोलॉजी का करते हैं अध्ययन करना। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रेश टिश के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होती है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होती है। इधर ओवरी के अंदर ओजेनेसिस के द्वारा ओवा बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होती है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है साथ में। अब दोनों ही जब या तो आंतरिक हो सकता है या बाह्य। आंतरिक फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है मेल अपने स्पर्म को फीमेल की वजाइना में रख देता है, और जबकि बाह्य सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जल्दी जंतु में होता है, जो अपने क्या होता है कि नर और मादा के बाद बाहर की ओर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म। इस प्रकार की पत्तों में व्यवस्थित हो जाती है, बाहर
ऊपर तो किस हाइड्रोजन अंदर हाइड्रोजन और बीच में कौन सी मेजोजन व्यवस्थित हो जाती है। इस अवस्था को हम भ्रूण की अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। अब गैस्ट्रुला अवस्था होने के बाद में या कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मेजोजन हाइड्रोजन है उनके द्वारा भ्रूण के अंदर विभिन्न अणुओं का निर्माण शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जो भ्रूण है उसका पूरा डेवलपमेंट प्रत्येक जाति में इसका निश्चित समय होता है, उसके पश्चात उसका बर्थ होता है और बर्थ होना ही बर्थ होने के पश्चात में उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है कि वो शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वयस्क अवस्था, उसके पश्चात में वृद्धावस्था, उसके पश्चात में उसमें वृद्धावस्था के पश्चात जीर्णता आनी शुरू हो जाती है। जीर्णता जब आती है तो उसमें जो कोशिकाएं हैं उन्हें काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस एक कोई भी जंतु की लाइफ के दौरान घटित होता है। और मैं हम यहाँ पर दोनों बातों को क्लियर कर देता हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर केवल भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, यानी भ्रूण का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक का, एम्ब्रियोलॉजी में केवल फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ होने तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि भ्रूण के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं किस प्रकार बनती है। जैसा हमने देखे हैं कि जायगोट गुना है, मूलावस्था, अंडाशयावस्था, गैस्ट्रुलावस्था, ऑर्गेनोजेनेसिस है, उसके बाद बर्थ होता है। ये सारी अवस्थाएं एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है, इसको ही एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें हम डेवलपमेंट बायोलॉजी की। अब देखिएगा कि हम एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर कोई भी जंतु जो है उसके पूरे जीवन प्रोसेस को नहीं समझ सकते हैं। अब डेवलपमेंट, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में या जन्म होने से पहले उसके अंदर अनेक प्रकार के आनुवंशिक हैं, जैव रासायनिक है, फिजियोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, परिवर्तन भी आते रहते हैं, यानी कि जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं, भ्रूणी अवस्था में आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो दिखाई देते हैं। अब इनका अध्ययन हम एम्ब्रियोलॉजी में नहीं कर सकते हैं, तो अब बात आती है कि उसके लिए हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी की जरूरत पड़ी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है कि देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। हम यदि बात करें युग्मक निर्माण, निषेचन, जायगोट, जायगोट के बाद में हम बात करें मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर है गैस्ट्रुला, फिर है अंग निर्माण, फिर है जन्म, जन्म के बाद में शिशु अवस्था, फिर बाद में है बाल्यावस्था के बाद में हम बात करें किशोरावस्था के बाद में बात करें हम प्रौढ़ अवस्था, फिर बात करें हम वृद्धावस्था, फिर जीर्णता शुरू हो जाती है और जीर्णता के बाद में मृत्यु। तो देखिएगा ये डेवलपमेंट बायोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में तो आपने क्या किया, विशेषण से लेकर के जन्म तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया है। ये क्या है, केवल एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है। और हमें यहाँ बात करें डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, यहाँ से लेकर के सारी क्या है, हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी है, ये हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट देखते हैं पूरा कि किस प्रकार युग्मक निर्माण हुआ है, वर्षण और अंडाशय में कैसे विशेषण हुआ, कैसे जायगोट बना, फिर मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना,
निर्माण हुआ, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद शिशु अवस्था आई, बाल्य अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, जीर्णता, जीर्णता मैंने बताया है कि वृद्धावस्था में हमारी कोशिकाएं विभाजन कम करती हैं, कोशिका संश्लेषण कम होने लगता है, जिससे अंग काम करना धीरे धीरे कम करते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो आज हमने देखा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है और डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने ये देख पाएंगे कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का और एम्ब्रियोलॉजी का जो हमारा इतिहास है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ, उसमें क्या क्या अपने को वैज्ञानिकों ने किस किस चीज़ के बारे में बताया। धन्यवाद।